Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we study chapter number 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East of Class 11 English Hornbill CBSE NCERT textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है. इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ये 11वीं कक्षा की इंग्लिश टेक्सटबुक है हॉर्नबुल CBSE NCERT सिलेबस की. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरुवाणी. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल. दोस्तों ज्ञान गुरुवाणी पर रहने के लिए आभार. मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो फ्रेंड्स, एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अबाउट द स्टोरी ऑफ अ फैमिली हु इज एक्चुअली कॉट इन द मिडल ऑफ द सी. ये एक परिवार की एक स्टोरी है जो समुद्र के बीच में फंस जाती है और कैसे सिचुएशन से वो लोग बाहर निकल कर बच जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे सिचुएशन पर आ जाते हैं जहाँ वो सबके सब डूब कर मरने वाले होते हैं. तो साहस उनका कैसे टूटता नहीं है, मनोबल स्ट्रांग होता है, यही चीज़ हमको इस चैप्टर में से सीखने मिलेगी. एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी नाइसली. So this is about the courage that they build together while fighting the journey that they are going through in the sea. And I hope you learn this very nicely. Friends, I request you to listen to this video till the end, because I am trying to tell this chapter as a story so that you will not have to refer to the textbook again. दोस्तों मेरा आग्रह है कि आप ये वीडियो को अच्छी तरह से एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने सुनने के बाद टेक्सटबुक फिर से रेफर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह आपको बता रहा हूँ. In July 1976, my wife Mary, my son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I sailed from Plymouth, England to duplicate the route of the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 1976 में मेरी जुलाई में मेरी वाइफ मैरी, मेरा लड़का जॉनथन जो 6 साल का है, मेरी लड़की सुजैन जो 7 साल की है, और मैंने प्लेमाउंट इंग्लैंड से सी रूट ट्रैवल करने का सोचा, जो 200 साल पहले कैप्टन कुक ने उस रास्ते से गुजरे थे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आर लेजर एंड टाइम हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स इन दी ब्रिटिश वाटर्स. तो पिछले 17 सालों से काफ़ी टाइम से मैंने और मेरी वाइफ ने, जो अब 37 ईयर्स की बिजनेस मैन है, ये सपना सोच के रखा था कि हम लोग ये सी रूट को क्रॉस करेंगे. इसके लिए ब्रिटिश वाटर्स में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी ली और उसके लिए तैयारी सालों से चल रही है. Our boat, Wave Walker, a 23 meters, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it through the roughest weathers we could find. तो हमारा बोट जो 23 मीटर लंबा था, 30 टन उसका वुडन वजन था, और वो इतनी प्रोफेशनली बिल्ड किया था कि उसको टेस्ट करने के लिए हमने सालों अलग अलग वेदर्स में बिताए थे उसको टेस्ट करने के लिए, ताकि वो कंडीशंस में फिट हो जाए. द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 ईयर्स 1,05,000 किलोमीटर जर्नी प्लस प्रेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. हमारे पहले हिस्से का जो जर्नी थी वो 3 साल में अच्छे से गुजर गई थी. 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास हो गई थी. हमने वेस्ट केप टाउन तक, अफ्रीका के केप टाउन तक हम लोग पहुँच गए थे. देर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक टू क्यूमन अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्बी सेगलेरी टू हेल्प अस टैकल ऑन द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन. तो वहाँ हमने 2 लोगों को काम पे भी रखा था, क्रू मेंबर्स हमारे दोनों हमने ऐड किए थे हमारे टीम में, अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर. ये दोनों अनुभवी थे दुनिया के सबसे रफेस्ट सी में, समुद्र के इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट में, दक्षिणी भाग में ट्रैवल करने के लिए. तो उनको हमने हमारे दल में शामिल कर लिया था. Our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो Cape Town से निकल कर जब हमारे 2 दिन हो गए थे, दूसरे दिन ही हमको बहुत ज़ोरदार आंधी आने लग गई. For the next few weeks, they blew continuously. और ये आंधियाँ आने वाले कुछ हफ्तों तक चालू ही रही. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meters, as high as our main mast. तो gales से मुझे तकलीफ नहीं थी, लेकिन तकलीफ थी तो वो ऊँची ऊँची लहरें जो तकरीबन 15 मीटर ऊँची जा रही थी.
एज हाई एज अ मेन मास, मतलब वो जो मेन लकड़ी का डंडा पोल जो होता है बोट के बीच में, उससे भी ऊंची लहरें जा रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से हम लोग तकरीबन 3500 किलोमीटर ईस्ट की दिशा में थे 25 दिसंबर को। डिस्पाइट ऑट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हमारा जो वेदर थोड़ा सा तकलीफ देने वाला था, उसके बावजूद भी हमारा हॉलीडे बहुत ही अच्छा था जो हमने क्रिसमस ट्री के साथ बिताया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन दी वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर दी वर्स। नए साल का दिन हमने सोचा कि वेदर चेंज हो जाएगा और वो चेंज हुआ, लेकिन अच्छी तरह नहीं, बुरी तरह, और ही बदतर होता गया वेदर। एट डॉन ऑन जनवरी 2nd द वेव्स वर जाइगेंटिक। 2 जनवरी को सुबह के टाइम पे, मतलब प्रातःकाल जब सूरज उगता उससे पहले डॉन के समय पे, ये वेव्स एकदम जाइगेंटिक हो गई, बहुत ही विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रब जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। तो थोड़ी सी तूफानी अड़चन तो हमको थी ही, लेकिन हम लोग अभी 8 knots के मीड स्पीड से सेल कर रहे थे। 8 knots मतलब 8 nautical miles की स्पीड से हमारी बोट चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी द एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। सो जैसे जैसे हमारी शिप उस बड़ी बड़ी जाइंटेंटिक वेव्स की तरफ, वो बड़ी बड़ी जो लहरें आती थी उसकी तरफ जा रही थी, तो जब नीचे उतरते वक्त हमारी आँखें और वो समुंदर की तरफ फैल रही थी जो बहुत ही बड़ा, गहरा, विशाल था, और उनको देख कर हमारे कानों में और वो आवाज़ जो थी वो और भी कानों को तकलीफ पहुँचा रही थी, विंड की आवाज़। टू स्लो द बोट डाउन we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern। तो बोट को स्लो करने के लिए हम जो स्टॉर्म जाइब है उसको हम लोग ने नीचे कर दिया ताकि वो बोट धीरे चले, और फिर जो रस्सी थी वो लूप को स्टर्न के साथ एकदम कठोर था से स्ट्रांगली उसको बांध के रखा। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, नॉटेड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उसके बाद जैसे समुंदर में और तूफान तेज़ हो रहा था, तो हमने क्या किया, लैश जो लैश थी उसको डबल कर लिया, एंड लाइफ ड्रिल्स, लाइफ सेविंग जो ड्रिल्स होती है, प्रैक्टिस होती है, हमने वो की, और फिर लाइफ लाइन्स अटैच कर दी, जैसे दोंड ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स हमने पहन लिए, और फिर राह देखते रहे हम लोग वहाँ पर। At first indication of impending disaster came at about 6 PM with an ominous silence। शांति के सन्नाटे के साथ पहला सबसे बड़ा डिजास्टर हमको 6 शाम को आया। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्कर। अचानक से हवा चलनी बंद हो गई और अचानक से वहाँ बादल काले घने हो गए। देन केम द ग्रोइंग रोड एंड एनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स द एफ्ट ऑफ द शिप। बाद में शिप के आगे की तरफ अचानक से बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े विशाल साइज के आकर आवाज़ करने लगे। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड दैट बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन डर के साथ मैंने देखा कि ये कोई क्लाउड नहीं है, लेकिन एक बड़ी सी लहर है जो मैंने कभी भी देखा, जो कभी भी मैंने देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ आर वेव्स विथ एन फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। वो एकदम डरावनी लग रही थी, और जो हमारे वेव्स थी उनसे डबल साइज की ये वेव लग रही थी, जैसे ये हमारे क्रेस्ट को तोड़ डालेगी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। ये तूफान का आवाज़ रोरिंग हो गया था, बड़ा ही होते जा रहा था, और स्टर्न जो हमारा शिप का था वो लहर की दिशा में ही जा रहा था, और 2 के लिए मुझे लगा कुछ देर के लिए कि हम उस लहर के बीच में से निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्रेशन शुक दी डॉग। लेकिन फिर वो डॉग के साथ जोर से कुछ तो टकराया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक आउट ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। तो अचानक से मेरी बोट अचानक से एक ग्रीन और वाइट कलर की उसे टॉरेंट से टकराई, और फिर स्मैश होकर पूरा मैं व्हील से मेरा सर भी टकराया, और फिर मुझे लगा कि अब हम धीरे धीरे डूबने वाले हैं, और मुझे ये लगने लगा कि सिंकिंग, मेरी बोट डूब रही है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग दैट एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मुझे लगा कि अब मौत मेरे नज़दीक आ रही है, लेकिन मैं उसके वक्त एकदम शांत भी हो गया सोच के कि मैं अभी मरने ही वाला हूँ।
अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ दी वाटर, अचानक से ना सोचे बगैर मेरा सर पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वॉक वेवर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, तो कुछ मीटर दूर वॉक वेवर जो हमारी बोट थी पूरी पलटी होकर डूब ही रही थी और उसका मास्ट जो था वो पूरा सीधा था। व्हेन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट माई लाइफ लाइन जर्क टॉट आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इन टू द वॉक वेवर्स मेन बूम। अचानक से आई हुई एक बड़ी लहर ने वो हमारी बोट को सीधा कर दिया। मैंने लाइफ लाइन को मेरी जैकेट जो थी उसको टाइट किया और अचानक से फटाफट तैरते हुए मैं वॉक वेवर की तरफ पहुंच गया। सब्सिक्वेंटली वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, अचानक से वो तरंग जो लहरें थी उन्होंने उठा के मुझे डेक पर पटक डाला। माई लेफ्ट रिग क्रैक माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड द ब्रोकन टीथ। तो जैसे ही लहरों ने ऑथर को उठाकर उस शिप पे डाल दिया तो उनके रिब जो पसली का जो भाग है वो टूट गया और उनके मुंह से खून बहने लग गया, दांत भी उनका टूट गया था। समा आई फाउंड अ व्हील लाइंड अप फॉर द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अचानक से मैंने व्हील पकड़ लिया बोट का और दूसरी लहर का आने के लिए तैयार हो गया, वहीं रुका रहा। वाटर एवरीवेयर आई फेल दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मैंने पानी को हर तरफ देखा, सब तरफ पानी था और मुझे पता था कि हमारे नीचे भी पानी ही ऊपर से आ रहा है, लेकिन मैंने व्हील को छोड़ना सही नहीं समझा और वहीं टटा रहा। Suddenly the front hatch that throat opened and Mary appeared. अचानक सिर्फ आगे का हैच खुल गया और मैरी सामने आके खड़ी हो गई। We are shrinking, she screamed. The decks are smashed and we are full of water. वो बोल रही कि हम डूब रहे हैं, डेक भी पूरे टूट गए हैं और हमारा पूरा वो जहाज पानी से भर गया है। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. मैं हैज ढूंढने के लिए गया और मैंने वाइफ को बोला कि आप ये व्हील पकड़ के रहो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग विद मैडमैन वर्किंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हर्ब जो हमारे सहायक थे वो पानी पूरा पंप करके बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टार्टबोर्ड साइड बर्ड्स बर्ल्ड इनवर्ड्स, क्लॉथ्स क्रॉक्स क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लैश्ड अबाउट इन दी वाटर। सो पूरा लकड़ी का टुकड़े जितने भी थे सारे इधर उधर दिख रहे थे, जितना भी अंदर का सामान था कपड़े ग्रोस क्रॉकरी थी चार्ट्स थे डब्बे थे खिलौने थे सारे पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू दी चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में मैं आधा तैर के गया आधा रेंगते हुए गया। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, मैंने उनको पूछा कि आप ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर का जो बंकर था वहाँ से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं। But my head hurts a bit, said Sue, pointing at a big bump on over her eyes. लेकिन मेरे सर पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अपनी उंगली उसने की के बताई उसकी आँखों के ऊपर थोड़ा सा एक टेंगुल सा हो गया था, स्वेलिंग हो गई थी। I had no time to worry about the bumped head. उस स्वेलिंग के बारे में मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back to the deck. वहाँ से हथौड़ी स्क्रूज और कैनवास ढूंढने के बाद मैं वापस डेक की तरफ गया। With the starboard side blast open, वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जैसे स्टारबर्ड्स हमारे टूट गए थे बिखरे हुए थे, जितना लहरें आ रही थी उतना ही पानी हमारी तरफ अंदर आ रहा था। आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, वी कुड श्योरली सिंक, अगर हम जरा भी रिपेयर नहीं कर पाते तो हम डेफिनेटली वहाँ डूब जाते हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जितने gaping holes बन रहे थे थोड़े थोड़े वहाँ पर मैंने waterproof hatch था उसको cover किया और canvas मेरे साथ में था उसको मैंने साथ में ले लिया और holes को fill करने की try किए। Somehow water continued to stream below, but most of the it was now being deflected over the side. किसी न किसी तरह पानी तो अंदर से आ ही रहा था बट वो divert होकर पीछे की तरफ जा रहा था। More problem arose when our hand pump started to block up and the debris floating around the cabin and the electric pump started short circuit. तकलीफ ज़्यादा होगी जब हमारा हैंडपम्प बंद हो गया था और जो लकड़ी के टुकड़े थे केबिन के आसपास इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया वहाँ पे। द वाटर लेवल रोज टाइटनली, और पानी का लेवल भी बहुत डरावनी लेवल तक पहुँच गया था।
Back on the deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the four stray sail, the jib, the dinglies, and the main anchor. तो मैं जब डॉक पे आया तो मैंने देखा कि हमारे जो स्पेयर पंप थे वो वहाँ थे एंड उसके साथ फोर स्ट्रे सेल भी थी, हमारी जाइब भी थी, डिंगले थी और एंकर भी था जिससे वो बोट को रोक पाते हैं हम. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. Chart room floor के नीचे और एक electric pump है, वो मुझे याद आ गया. I connected it to an outpipe and was thankful to find it worked. मैंने outpipe के साथ उनको connect किया तो बहुत आभारी था कि वो चालू हो गया. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio. पूरी रात भर हमने इसी चीज़ में गुजारी, पानी निकाल रहे थे, pump कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे और radio पर try contact करने का ट्राई कर रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स. हमारे जो इमरजेंसी के मेडे कॉल्स थे उसके हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहे थे. विच वॉज नॉट सरप्राइज इन दिस रिपोर्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इस कोने में, दुनिया के इस कोने में हम, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि हमको हमारे मेडे इमरजेंसी कॉल को हमको रिप्लाई नहीं मिल रही थी. Shoes had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed up a deep cut on her arm. अभी शू के सर पे जो स्वेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उसकी आंखें ब्लैक हो गई थी और उसके हाथ पे अभी एक कट भी था, घाव भी था. When I asked her why she didn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save all of us. तो मैंने जब उसको पूछा कि तूने अपनी इंजरी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बताया कि शू ने मुझे बताया कि मैं आपको ट्रबल नहीं करना चाहती थी जब आप हमारी जान बचा रहे हो. बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन द रोटेशन. सो 3 January की मॉर्निंग को ये पम्प्स ने वाटर लेवल उतने लेवल तक ला दिया था कि आगे आने वाले 2 घंटे तक हम आराम कर सकते थे वहीं घूमते घूमते. But we still had the tremendous leak somewhere below the waterline and on checking I found that nearly all the boats. लेकिन हमको कहीं ना कहीं से लीकेज तो था ही क्योंकि नीचे से पानी आना अभी चालू रहा था, लेकिन मैंने फिर बराबर से दिख रहा कि बोट में सभी तरफ से लीकेज ही था नीचे की तरफ. I found out that the main ribs frames were smashed down on to the nail. हमने main ribs के जितने भी folds थे वो देखा, frames थे वो सारे टूट गए थे, चूरा चूरा हो गए थे. In fact, there was nothing holding up the whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो कुछ cupboard के partitions के वजह से उधर और कोई भी support नहीं था जो नीचे की starboard को पकड़ के बैठ रहा था. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker couldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन अब 15 घंटे हो गए थे, हमने पहली वेव का हिट जो हमारा टकराव हुआ उसके बाद 15 घंटे बीत गए थे, लेकिन वेव वॉकर अभी आगे उसको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी क्योंकि हमारा नेक्स्ट पड़ाव ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ तक पहुँचेंगे ऐसा हमको लग रहा नहीं था. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द ईस्ट. मैंने मेरे चार्ट चेक किए तो कुछ किलोमीटर दूर मुझे थोड़े टापू दिखाई दिए चार्ट में. वन ऑफ देम द इले एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. दूसरा एक उसमें से एक था इले एम्स्टरडैम जो एक साइंटिफिक बेस था. और ओनली होप्स वॉज टू रीच दी पिन प्रिकर्स इन दी वास्ट ओशन. हमारी फिर सिर्फ एक ही आशा थी, वो पिन प्रिकर्स जो थे छोटे मोटे टापू थे बड़े ओशन में वहीं जाना था. बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड सो वी कुड सो होस्ट सेल आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. लेकिन जब तक विंड और सी एकदम शांत नहीं हो जाते हमारे चांसेस बहुत कम थे वहाँ पहुँचने के. द ग्रेट वेव हैड पुट एन ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. हमारे पूरे एक ऑक्सिलरी इंजन जो थी उसको आउट ऑफ एक्शन डाल दिया था बड़े वेव ने. सो हमारे पूरे ऑप्शंस चले गए थे ऐसा ऑथर हमको बता रहा है. ऑन January 4th आफ्टर 36 hours ऑफ कंटिन्यूस पम्पिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. 36 घंटे बाद 4 January को कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ पानी ही बोट में रह गया था, तब तक हम लोग पंपिंग कर रहे थे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. लेकिन अब जो पानी अंदर आता था उसके साथ हमको स्पीड रखना कशमकश हमारी चालू रखनी थी. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. सही रास्ते पर हम लोग सेल नहीं कर सकते तो वहीं रुके थे. प्रेशर ऑन द रिग्स वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. अगर हम ज़्यादा भी प्रेशर डालते हैं उन रिग्स पर तो पूरा डैमेज सेक्शन टूट जाता था. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जाइब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 islands वर. फिर हमने जो स्टॉर्म जाइब
लाइट थी जो हमारा मेन लकड़ी का डंडा था उसको ऊपर किया और जो दो आइलैंड्स थे उसकी तरफ हम निकल पड़े। मैरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैक्ड बिस्किट्स एंड वी एट आर फर्स्ट मील इन दी ऑलमोस्ट टू डेज। मैरी ने कहीं से कुछ बिस्किट के टुकड़े और थोड़ा सा बीफ लाए और दो दिन के बाद हम लोग ने अपना पहला खाना वहाँ पर खाया। But our respite was short-lived. At 4 p.m., blackouts began building up behind us. Within the hour of the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. लेकिन हमारा जो आराम था वो थोड़ी देर के लिए ही था। 4 बजे शाम को काले बड़े बादल हमारे पीछे बड़े हो गए थे और हमारा स्पीड 40 नॉटिकल्स तक वापस आ गया था, लेकिन अभी समुद्र की लहरें भी हायर से हायर बड़ी बड़ी हो रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन एट जनवरी 5 आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। वेदर का कंडीशन अभी भी गंदा बदतर होते जा रहा था और रात से लेकर सुबह डॉन जनवरी 5 तारीख की डॉन तक हमारा सिचुएशन और भी बुरा होते जा रहा था। When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को थोड़ी सराहना देखने गया था, जॉन ने मुझे पूछा, पिताजी क्या हम सब मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसको दिलासा देना चाहा कि नहीं, हम इसे बाहर निकल जाएंगे। But Daddy, he went on, "We aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I." तो मैंने उसको जब मैंने समझाना चाहा, उसने बोले, मुझे जवाब दिया कि पिताजी हम मरने से डरते नहीं हैं, अगर हम साथ में रहेंगे, आप, मम्मी, मैं और सू। तो ऐसा मुझे जवाब बच्चों से मिला। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच ही रिस्पॉन्डेड बट आई फेल्ट दी चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। मेरे पास उसके शब्दों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों के कैबिन में इतना डिटर्मिनेशन मुझे मिली, इतनी दृढ़ता मुझे मिली कि मुझे और ताकत मिल गई। आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबर्ड साइड आई डिसाइडेड टू वीव इट। जो स्टारबर्ड का जो कपड़ा था वो जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि उसको मैं सी देता हूँ। विद दी अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग दी ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग दी इम्प्रोवाइज सी एंकर टू ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। जो डैमेज पोर्ट था जो वेव्स की तरफ से उनकी उसका मुख था, इम्प्रोवाइज सी का हेल्प लेकर, एंकर का हेल्प लेकर मैंने वो नाइलॉन रोप लिया जो 22 मीटर और 22 लीटर के जो पैराफिन के प्लास्टिक के बैरल्स पड़े थे वो भी मेरे साथ ले लिए। एट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप टू ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू दी ब्रोकन प्लैंक्स। सो ब्रोकन प्लैंक्स से जब पानी अंदर आ रहा था, मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वहाँ बैठे थे, शिप की हालत देख रहे थे। वी बोट फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हमको लगा कि हमारा अंत बहुत ही नज़दीक आने वाला है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन दी सेक्सटेंट। तो जनवरी 6 को वेव वाटर वहाँ से लहरों में से बाहर निकल गया और समुद्र भी शांत हो गया था। सुबह को मैंने रीडिंग चेक की दी। बैक इन दी चार्ट रूम आई वर्क ऑन दी विंड स्प्रेड। चार्ट रूम में वापस गया और वहाँ मैंने विंड का फैलाव कैसा था वही मैं पढ़ रहा था। चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट ऑफ द करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजिशन। तो मेरी पोजिशन देखने के लिए मैंने चेंजेस वहाँ देखे, ड्राफ्ट और करंट कैसा था वो सब चेक किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर 15,000 kilometers ऑफ द ओशन लुकिंग फॉर अ 64 किलोमीटर वाइड आइलैंड। हम लोग 15,000 किलोमीटर दूर थे मेन ओशन में और वहाँ से 65 किलोमीटर दूर ही वो आइलैंड था, वैसा मैंने कैलकुलेट किया। वाइल आई वॉज थिंकिंग सम सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। जब मैं कुछ सोच रहा था, सू जो दर्द से भरी थी मेरे पास आई। दी लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन एंड हर ब्लैकेंड आई नैरो टू स्लिट्स। अब उसके जो घाव था वो और भी ज़्यादा सूजन थी और उसकी आँख में और एकदम आँखें छोटी हो जा रही थी, ब्लैक आईज। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने कार्ड बनाया था, उसने मुझे दिया। ऑन द फ्रंट साइड शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। उसके फ्रंट के आगे के पार्ट पे उसने मैरी और मेरी पिक्चर बनाई थी और वहाँ लिखा था यहाँ कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ। क्या उन्होंने आपको हंसी दिखाई? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। मैं बहुत हंसा भी। इनसाइड वॉज अ मैसेज। अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ। मैं आपको आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। सो ये आपके लिए थैंक यू कहने के लिए और आशा करते हैं सब कुछ अच्छा हो। समहाउ वी हैड टू मेक इट। किसी तरह हमको यहाँ से बाहर निकलना ही था।
आई चेक्ड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन चेक किए और फिर से चेक किए। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। मैंने मेरे स्पेयर कैंपस को यूज़ करना चालू कर दिया था क्योंकि मेन वाला ख़राब हो गया था, लेकिन उसके मैग्नेटिक वेरिएशंस मैंने चेक करेक्ट नहीं किए थे। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लू थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से वेस्टर्ली करंट जो आ रहा था उसका मैंने एक अलाउंस करके एक एस्टिमेट बताया कि अभी आगे का प्लान कैसा होगा। आफ्टर अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees। मैं 2 PM को डेक पे गया और लैरी को मैंने कहा 185 degrees पे आप डेक को बोट का मुंह मोड़ लीजिए। इफ वी वर लकी आई टोल हिम वी वुड कन्विंशन आई डिड नॉट फील विद कन्विंशन आई डॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द इनलैंड एट अबाउट 5 PM। आई टोल हिम दैट अगर हम लोग सही अगर गलत नहीं है तो शायद 5 बजे के आसपास हम आइलैंड दिख जाएगा। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। बड़े भारी मन से मैं नीचे की तरफ गया और मेरे बंकर में जाके अचानक से मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। मैं जब उठा तब 6 बज गए थे शाम के और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल दैट वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स। मुझे पता था कि हमने शायद आइलैंड को मिस कर दिया है, लेकिन जो सेल छोड़ दिया था मैंने कोई आशा नहीं थी कि हम वेस्टर्ली आइलैंड विंड्स की तरफ वापस जाएंगे। एट द मोमेंट एट टोजल्ड हेल्ड अपियर्ड बाई माई बंक। अचानक से मेरा सर फट जा रहा था। टोजल्ड हेड का मतलब है कि मेरा सर फटा हो जा रहा था। वहाँ मैंने सुना कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्क शू वॉज राइट बिहाइंड हर। जोनाथन ने पूछा क्या मैं आपको एक झप्पी दे सकता हूँ और शू उसके पीछे ही खड़ी थी। Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा कि अभी मुझे झप्पी क्यों मिल रही है। Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो और पूरी दुनिया के और बेस्ट कैप्टन भी हो, मेरे लड़के ने मुझे जवाब दिया। Not today, John. I am afraid. मैंने जॉन को बोला कि नहीं आज नहीं, शायद आज नहीं, आज मैं गलत हूँ। Why you must be, said Sue. In a matter of fact, you found the island. आज आपको होना ही चाहिए, आप बेस्ट डैड हो क्योंकि हकीकत में आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। What I shouted, मैंने चिल्लाया क्या? It's out there in front of us. They crossed as big as a battleship. वो हमारे सामने ही है एक बड़ी लड़ाकू जहाज की तरह। आई रश्ड ऑन द डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द इले एम्स्टरडैम। मैं डेक पर दौड़ के देखा तो मैंने इले एम्स्टरडैम की तरफ हमारी बोट जा रही थी। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक का एक छोटा सा टुकड़ा था विद लिटिल वेजिटेशन, उस पर थोड़ी सी सब्जियाँ या ग्रीनरी भी दिखाई दे रही थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड मुझे वो लगा उस। We anchored offshore for night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. दूसरे दिन हम लोग रात तक वहीं रुके और दूसरे दिन मॉर्निंग तक 28 लोग जो वहाँ आइलैंड पे थे उन्होंने हमें हेल्प भी किया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैबीज चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर एज ऑल दोज क्रूशल आर्स। तो जब मेरे पैर के नीचे जमीन आई तब मैं लैरी और हर्बी के बारे में सोच के लगा और कितनी हमारी अच्छाई थी उस डिस्ट्रेस सिचुएशन में, और मैरी के बारे में भी जिसने वो व्हील पकड़ के वो क्रूशल आर में वो चला रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थाट ऑफ द 7-year-old girl। ज़्यादातर मैंने उस 7 साल की बच्चे के बारे में who did not want us to worry about, जो हमको वो नहीं चाहते थे कि हम ज़्यादा भी चिंता करें। अबाउट हर हेड, उसको जो लगा था उसके बारे में वो चिंता करना नहीं चाहती थी, मतलब वो नहीं चाहती थी कि हम चिंता करें उसको जो लगा है। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड दी स्कल। उसके बाद उसकी छोटी छोटी 6 surgery हुई उसकी स्किन चमड़ी में से और खोपड़ी के बीच में वो जो क्लॉटिंग निकालने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old boy हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और अपने 6 साल के लड़के के बारे में भी सोचने से डर नहीं रहा, वो जो मरने से डर नहीं रहा था वो भी मैं सोच रहा था। जोनाथन के बारे में याद था जो जॉन कहता है कि हम साथ में मरेंगे तो हमको कोई डर नहीं है। सो दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया, अगर नहीं तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन ज्ञान गुरु वाणी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा एंड होप आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।